हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। यार, मैदान का रिव्यू अपलोड करने के बाद में मैं सीधा भागा बड़े मियाँ छोटे मियाँ देखने, एंड अभी जस्ट देख के आया हूँ तो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ कि क्या जो ये बज क्रिएट हुआ है इस फिल्म का, इतना मार्केटिंग एक्टिविटीज हुई है, लग गए हैं सब एकदम उनकी फिल्म को फुल तोड़ फोड़ बताने को, तो क्या ये बज काम आया? वेल, मैं तो कहूंगा ये बस 100% काम आया है, बिकॉज जिस तरीके का एक हाइप इस फिल्म के अराउंड है वो कहते हैं ना कि फिल्म में लोगों को शुरुआत में तो खींच के जरूर लेके आएगा, अब वो वर्ड ऑफ माउथ में कन्वर्ट होगा या नहीं उसी की चर्चा करेंगे। पर स्टार्ट करने के पहले वो लाइक बटन को जरूर दबा देना। लाइक तो कर ही सकते हो यार, किसी भी इंसान को लाइक करना कोई बुरी बात थोड़ी है। बाकी सब्सक्राइब करोगे तो और आपको ऊपर वाला और आपका भी ध्यान रखेगा, तुम एक सब्सक्राइब करोगे वो 10 सब्सक्राइबर्स देगा। तो मैं तो यही कहूंगा आपको कि यार ऑनेस्टली बड़े मियाँ छोटे मियाँ को मैं 10 पॉइंट में समअप करने वाला हूं और बहुत क्रिस्प रखूंगा मैं इन पॉइंटर्स को, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये फिल्म आपके लिए है या नहीं। पहला पॉइंट है इस फिल्म का फर्स्ट हाफ। यार, अगर आप इस फिल्म का फर्स्ट हाफ देखोगे ना, आपको मजा नहीं आएगा। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि क्या चल रहा है, ये एक्शन क्यों हो रहा है, क्या प्रूव करना चाह रहे हैं। शुरू का जो सीक्वेंस है जहां पर इन दोनों की एंट्री होती है, एक अफगानिस्तान की एक जगह पर मारपीट होती है, बहुत बड़ा सीक्वेंस है वो, और उसकी जरूरत नहीं थी इतनी, बट फिर भी उन्होंने उसको डाला, उसकी वजह से फिल्म का ड्यूरेशन भी बढ़ गया एंड देयर वाज नो पॉइंट। वहां पर एस्टैब्लिश करना था इनको अबाउट इन दोनों की केमिस्ट्री के बारे में, जो एस्टैब्लिश हुआ पर लेकिन इतना खास नहीं, एंड दैट इज द रीजन ऑफ मी कमिंग टू द सेकंड पॉइंट अबाउट देयर केमिस्ट्री। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ, इन दोनों का इस फिल्म में होने का मतलब ये है कि इन दोनों की केमिस्ट्री बना के रखनी है, बिकॉज आई थिंक मेकर्स इसकी फ्रेंचाइजी भी बनाने का सोच रहे हैं, एंड डिपेंडिंग ऑन हाउ दिस प्रोडक्ट इज वो आगे का सोचेंगे। अब केमिस्ट्री वाइज बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस हैं जहां पर दोनों बहुत अच्छे लगे हैं, दोनों एक दूसरे से बात करते हुए वो जो ह्यूमर है बहुत अच्छी तरह से निकला है। और इनफैक्ट मैं ऑनेस्टली आपको बोलूँ, मेरे लिए अनएक्सपेक्टेडली टाइगर श्रॉफ की का जो कॉमेडी है, ह्यूमर है, वो मुझे अच्छा लगा। अक्षय कुमार मुझे थोड़ा डल लगे उस ह्यूमर में, वो मतलब अपने एक्सप्रेशंस के साथ ही ह्यूमर दिखाने की कोशिश कर रहे थे ज़्यादातर, बट ठीक है, उनको थोड़ा सीरियस बताया फिल्म में, और टाइगर श्रॉफ को कोशिश की है थोड़ा सा सिली ह्यूमर दिखाने के लिए, बट वो केमिस्ट्री कहीं ना कहीं रजिस्टर होती है बिटवीन सर्टन पार्ट्स, एंड कहीं ना कहीं मजा भी आता है। थर्ड पॉइंट इज पृथ्वीराज सुकुमार, ये जो है, बट उसके पहले मैं आपको बोलूं, थर्ड पॉइंट पृथ्वीराज सुकुमार तो है, बट व्हाई दैट इज माय फोर्थ पॉइंट इज द सेकंड हाफ ऑफ द फिल्म, जहां पर पृथ्वीराज की एंट्री होती है, रिवील होता है। यस, उनका रिवील सेकंड हाफ, फर्स्ट हाफ में तो हो ही जाता है, पर फेस रिवील सेकंड हाफ में होता है, और ये कोई स्पॉइलर नहीं है, ये तो ऑब्वियसली पता चलना ही है कि पृथ्वीराज कभी ना कभी फिल्म में दिखने वाले हैं, सिर्फ मास्क में तो दिखेंगे नहीं। तो सेकंड हाफ में जब से पृथ्वीराज आते हैं तब से फिल्म की शान बढ़ जाती है। इनफैक्ट सेकंड हाफ बहुत ज्यादा ग्रिपिंग हो जाता है, मजा आता है देखने में, हमें रियल सब्सटेंस दिखाई देता है, रियल स्टोरी दिखाई देती है, बाकी फर्स्ट हाफ में पूरा नॉनसेंस, तो सेकंड हाफ इज द एंटायर फिल्म अकॉर्डिंग टू मी। एंड यार, एक घंटे की फिल्म मैं आपको बोलूं, आप अगर फर्स्ट हाफ भी देखना भूल जाओ, सेकंड हाफ में एंटर करो तो भी आप कुछ नहीं मिस करोगे, मेरे हिसाब से वैसा है। एंड द फिफ्थ पॉइंट ऑफ द फॉर मी इन दिस फिल्म इज द बैकग्राउंड म्यूजिक, बहुत ही एवरेज बैकग्राउंड मुझे लगा, बड़े मियाँ छोटे मियाँ का म्यूजिक यूज किया है। आई जस्ट होप्ड कि बड़े मियाँ का एक रेंडिशन भी होता, बिकॉज आई रियली लाइक रेंडिशंस, बाकी कोई कहे नहीं कहे, मुझे रिमिक्सेस और उनके गानों के जो रीमेक्स होते हैं मुझे अच्छे लगते हैं, तो आई जस्ट होप्ड कि वो फिल्म में होता, एंड फिल्म के रिलीज के 2 दिन पहले भी अगर निकालते तो बस और भी अलग लेवल का होता है। बट एनीवेज, सिक्स्थ पॉइंट फॉर मी इज द डायरेक्शन ऑफ द फिल्म। अली अब्बास जफर, जिन्होंने टाइगर भी बनाई है, टाइगर जिंदा है भी बनाई है, तो वो बेसिकली डायरेक्शन में काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहे हैं, उन्होंने अच्छे अच्छे शॉट्स दिए हमें, बट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रेपिटेटिव शॉट्स थे, बहुत ज़्यादा ऐसे शॉट्स थे जिनको शायद सीरियसली नहीं लिया हो, सिनेमेटोग्राफी काफ़ी अच्छी हो सकती थी जिसकी वजह से डायरेक्शन में भी प्रॉब्लम आई जो मेरे हिसाब से नहीं चल पाई। सेवेंथ पॉइंट फॉर मी इन दिस फिल्म इज द नॉन यूजेज ऑफ बोथ दी एक्ट्रेसेस, मनुषी छिल्लर और अलायफ ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, इंटरेस्टिंग एक्टिंग की है, उन्होंने जिस तरीके से डायलॉग डिलीवरी की है वो भी काफ़ी अच्छी की है। मनुषी मुझे बहुत ज़्यादा एक ही एक्सप्रेशन में दिखी पूरे फिल्म में, और उनको सीरियसली नहीं लिया, मुझे ऐसा लगा मेकर्स ने शायद कुछ और उनके साथ किया जा सकता था, या अगर वो नहीं भी होती फिल्म में तो कोई बड़ी बात नहीं होती, सो दैट इज़ वन थिंग। उसके बाद
नवा पॉइंट, नाइन्थ पॉइंट, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं भूल गया 9-10 हुए कितने हुए मुझे पता नहीं, मैं बस बोलते जा रहा हूँ। नाइन्थ पॉइंट फॉर मी इज बेसिकली रोनित रॉय। मुझे बहुत ही, इनफैक्ट रोनित रॉय क्या कहूँ मैं तो कहूँगा ये पूरा स्टारकास्ट अच्छा ही था, बुरा नहीं था, सबने अपने अपने रोल सही से निभाए। रोनित रॉय को मैं इसके लिए स्पेशली मेंशन कर रहा हूँ बिकॉज मैंने उनको योद्धा में भी मेंशन नहीं किया, मुझे बुरा लगा, बट मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगा कि उनकी एक्टिंग जब भी देखने मिलती है उनका एक वो आर्मी वाला रोल उन पर बहुत सूट करता है, तो मजा आ जाता है देखते हुए। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट मेरे हिसाब से जहाँ पर मैं समअप करूँगा इस फिल्म को इज द स्टोरी लाइन। देखिए हमें बहुत ज़्यादा ऐसे स्पेकुलेशन थे कि यार ये जवान या पठान जैसा नहीं निकल जाए, बट कहीं ना कहीं एक छोटा सा हिंट उसमें है जहां पर जवान का भी एक थोड़ा सा मिश्रण है, पठान का भी थोड़ा सा मिश्रण है, पर जो कॉन्सेप्ट इस फिल्म में बताया गया है टेक्नोलॉजी को लेके वो बहुत इंटरेस्टिंगली बताया गया है, थोड़ा अलग बताया है, तो आई एम रियली कन्विंस्ड विद द स्टोरी। मुझे ऐसा नहीं लगा कि सेम स्टोरी दिखा दिया। फर्स्ट हाफ का जो हुक आता है इंटरवल के जस्ट पहले वो आपका इंटरेस्ट बढ़ा देता है, सो आई थिंक दैट वॉज अ प्लस पॉइंट फॉर मी। अब ये है 10 पॉइंट, बाकी मैं आपको कहूँ इस फिल्म को आप श्योरली देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स नॉट अ बैड फिल्म। फाइनली टाइगर श्रॉफ को एक ऐसी फिल्म मिली जहां पर उनको अपना एक्टिंग, अपनी अपना एक्शन, हर एक चीज का मिश्रण दिखाने का मौका मिला एंड मजा आया देखने में। इट्स नॉट अ बैड वॉच, सेकेंड हाफ आई लव्ड इट। बाकी मैं इस फिल्म को दूंगा 3 out of 5। एंड रही बात मैदान और बड़े मियाँ छोटे मियाँ में से एक को चुनने की, यार मैं दोनों में से किसी को भी नहीं चुन सकता हूँ बिकॉज दोनों अपने अपने जॉनर में अलग है। अगर आपको एक स्पोर्ट्स सेंट्रिक फिल्म, अजय देवगन फिल्म देखनी है तो आप जाइए मैदान। अगर आपको एक्शन फिल्म या अक्षय कुमार खिलाड़ी वाली फिल्म देखने में मजा आता है लॉजिक को साइड में रखते हुए, तो आप जा सकते हो बड़े मियाँ छोटे मियाँ। बाकी कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताना दोनों में से आपने कौन सी पहले देखी पिक्चर, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।